प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर से किया अपना एक वादा आज निभा दिया। उन्होंने मेघालय के लोगों को बड़ा तोहफा दिया। आज यहां पहली बार रेल दौड़ी। पीएम ने कहा कि चुनाव में किया गया एक एक वादा उन्हें याद है और वो सबकी उम्मीदें पूरी करेंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर के सबसे लंबे दौरे पर हैं। 3 दिनों की इस दौरे की शुरुआत उन्होंने असम से की है। इसके बाद पीएम मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड भी जाएंगे, लेकिन इससे पहले उन्होंने मेघालय और मिजोरम को बड़ा तोहफा दिया। मेघालय आज से देश के रेल मानचित्र पर आ गया। प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी के मालीगांव जंक्शन से रिमोट के जरिए मेघालय के लिए पहली पैसेंजर ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया। ये ट्रेन असम के दुधनोई से मेघालय के मेंदी पत्थर के बीच चलेगी। रिमोट स्विच ऑन करके फलक का अनावरण करें। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार पूर्वोत्तर के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। हमारी कोशिश ये है कि नॉर्थ ईस्ट रेल से, रोड से, म्यांमार से जुड़े, एशिया के और देशों से जुड़े, आप कल्पना कर सकते हैं ये भूभाग व्यापार का कितना बड़ा केंद्र बन जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने मिजोरम तक रेल पहुंचाने के लिए असम के बैरबी से मिजोरम के सायरांग तक के लिए रेल लाइन की आधारशिला भी रखी। कभी कभी अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी कहा करते थे कि संपत्ति नहीं है कि जिससे रास्ते बनते हैं, ये रास्ते हैं जिससे संपत्ति बनती है। विकास शर्मा, गुवाहाटी, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि मेघालय तक रेल लाइन पहुंचाने का प्लान 22 साल पुराना है। 1992-93 के रेल बजट में ही इसका प्रावधान किया गया था, लेकिन इस पर काम 2009 में तेज हुआ। नई सरकार के इससे बस औपचारिक उद्घाटन की जिम्मेदारी आई। पीएम ने इसी वजह से दोहराया कि ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या।